कोलकाता रेप मर्डर मामले में बेटी डॉक्टर के माता पिता ने इंडिया टीवी से बातचीत की, बोले 8 अगस्त को आखिरी बार बेटी से हुई थी बात, सुबह बेटी के सुसाइड करने की सूचना मिली। मृतक लेडी डॉक्टर के माता पिता का बयान, अस्पताल में हमें 3 घंटे इधर उधर घुमाते रहे, सीएम ममता बनर्जी से बात कराई फिर बॉडी देखने दी। इंडिया टीवी पर पीड़ित माता पिता का बड़ा खुलासा, बोले बेटी रोज डायरी लिखती थी, उसकी डायरी के 2 से 3 पन्ने फटे हुए मिले हैं, जल्दबाजी में किया गया बेटी का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। पीड़िता के माता पिता बोले इस घटना में कई लोग शामिल, किसी एक के बस की बात नहीं, सीबीआई जल्दी से जांच पूरी करें और अपराधियों को कड़ी सजा दे। पीड़ित माता पिता ने कोलकाता पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पुलिस ने मामले की लीपापोती की कोशिश की, अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय, सीबीआई को आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी का इंतजार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ, पिछले 7 दिन में 88 घंटे हो चुके हैं जवाब जवाब। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक और बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितता के आरोपी की जांच सीबीआई को सौंपी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली संदीप घोष पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप, पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के लिए बनाई थी एसआईटी। वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच पर अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली का बयान, संदीप घोष ने अपने पद का किया गलत इस्तेमाल, जांच से सच सामने आएगा। पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली बोले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर बच्चों का होता था हेरेसमेंट, स्टूडेंट्स को पहचान छिपाकर मीडिया से बात करने की सलाह दी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर इंचार्ज और एडिशनल ऑफिसर इंचार्ज को सीबीआई का समन, वारदात वाली रात आउटपोस्ट पर तैनात कांस्टेबल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड निकाली मौन रैली, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ कैंडल मार्च में शामिल हुई। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, राज्य के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हथियारबंद रिटायर्ड कोचियों की तैनाती।